न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस भवन में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। ओआर बिटकॉइन और बिग बिटबुल कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया, चलती ट्रक में लगी आग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस भवन में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। रिपोर्टर इमरान पारेख की खास खबर कोनकावा से। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर कोनकावा जिले में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कोनकावा कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने मौजूद कांग्रेस जनों को देश की बलिदानी में परम पूज्य बापू महात्मा गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जी के महत्व को साझा किया। श्रद्धांजलि सभा में कोनकावा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष दयानंद दिव्यानी, नरेंद्र दिव्यांगन ब्रिज सोड़ी, कोनकावा नगर पालिका अध्यक्षता वर्षा यादव, उमेश साहू, पार्षद योगेंद्र पोयाम, अनिता पोयाम, मीना साहू, कामदेवी कोरनाथ, गन्नू पोयाम, रमेश मरकाम सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। और बिटकॉइन और बिग बुल कंपनी से जुड़े मामले। धमतरी में पुलिस द्वारा और बिटकॉइंस और बिग बिटपुल कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में आरोपी राजू गुप्ता को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले भी धमतरी निवासी आरोपी निर्मल सावरा को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब प्रार्थी भूपेश चौधरी को आरोप निर्मला सावरा और मेहताब आलमन ने आर्बिट कॉइन कंपनी में क्रिप्टो करेंसी पर निवेश करने का झूठा आश्वासन देकर आर्थिक धोखाधड़ी की। भूपेश चौधरी ने फोन पे और गूगल पे के माध्यम से इन दोनों के खातों में 18,27,000 रुपए का ट्रांसफर किया, लेकिन उन्हें और उनके परिचितों को कोई लाभ नहीं मिला। साइबर सेल संयुक्त टीम की कार्रवाई की गई। सर, अभी वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के अपराध में क्या क्या कर रही है? क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में जो आरोपी निर्मल सारवा से पूछताछ के आधार पर यह पता चला था कि बिहार निवासी राजू गुप्ता इसका प्रमुख मास्टरमाइंड है, जो उसके गिरफ्तारी हेतु टीम बिहार भेजी गई थी। जो आरोपी पश्चिम बंगाल में, उसका लोकेशन पता चला था, जो टीम के द्वारा वहां जाकर उसकी गिरफ्तारी की गई। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसको यहां धमतरी लाया गया, जिसे आज जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से उसे जेल भेजा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चलती ट्रक में लगी आग। दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित पावर ग्रिड के ठीक सामने नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में आग लग गई। सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान यह घटना घटित हुई। हड़कंप बचने से ट्रक पर बड़ी मात्रा में ऑयन ट्रस्ट लदा हुआ था। सूचना मिलते ही तत्काल एक अग्निशामक दल को रवाना किया गया। दमकल कर्मचारी शरद मेश्राम, नागेद डिवहार, कुंजेश और धर्मेंद्र ने सावधानी पूर्वक बड़ी मशक्कत से ट्रक पर लगी आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वक्त हो चाहे देश को ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मिनस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।